जय हिंद एवरीवन, आई वर्षा सेठ वेलकम यू टू सोशल साइंस क्लास। अध्याय 6, समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह। समुद्र ने हमारे देश के दक्षिण भाग को तीनों ओर से घिरा हुआ है। समुद्र तटीय क्षेत्र पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर कन्याकुमारी तथा उत्तर की ओर बढ़कर पूर्व में पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा तक चला गया है। इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर है। समुद्र तटीय क्षेत्र पर बहुत सारे बंदरगाह हैं, जैसे कोलकाता, कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ बड़े बड़े जहाज़ों से सामान चढ़ाने उतारने की सुविधाएं उपलब्ध है। समुद्र तटीय क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पहला पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान पश्चिम घाट से अरब सागर के बीच में स्थित है। यह उत्तर में गुजरात से शुरू होकर केरल की सीमाओं के साथ साथ कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं, गुजरात तट, कोणार्क तट तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट में बांट सकते हैं। गुजरात तट जो कि उत्तर भाग में स्थित है। गुजरात तट कच्छ की खाड़ी तथा खंभात की खाड़ी के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र गुजरात में होने के कारण इसका नाम गुजरात तट कहा गया। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह है तथा खंभात की खाड़ी में खनिज तेल के विशाल भंडार हैं। इसका भाग असमतल तथा चट्टानी है। इसकी चौड़ाई 45 से 65 किलोमीटर है। समुद्री जहाज़ों को इन चट्टानों को टकराने से बचाने के लिए समुद्र तट पर तथा द्वीपों पर प्रकाश स्तंभ बनाए गए हैं। रात के समय इन प्रकाश स्तंभों से रोशनी की जाती है, जिससे नाविकों को मार्ग देखने में सुविधा हो सके। मुंबई तट के पास कई तेल के कुएं खोदे गए हैं। इन स्थानों को बॉम्बे हाईवे भी कहा जाता है। मालाबार तट। मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह कोंकण तट के मुकाबले अत्यधिक चौड़ा होता है। समुद्र तट के साथ साथ रेत के टिल्ले भी दिखाई देते हैं। ये टिल्ले समुद्र की लहरों द्वारा ही बनाए गए हैं। इनके फलस्वरूप समुद्र का कुछ पानी अलग होकर छोटे छोटे झीलों के रूप में ले लेता है। इन झीलों को लैंगून या कायल कहते हैं। इनका उपयोग सामान और यात्रियों को लाने ले जाने में किया जाता है। यहाँ की मुख्य खेती तंबाकू, केला, चावल, कॉफ़ी, गन्ना, लौंग, मूंगफली इत्यादि हैं। मालाबार तट के आसपास नारियल के पेड़ अत्यधिक नज़र आते हैं। मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। व्यापार का बड़ा केंद्र होने के कारण इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कन्याकुमारी से गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की सीमाओं के साथ साथ उत्तरी दिशा तक यह फैला हुआ है। इसका दक्षिणी भाग जो कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, उसे कुरुमंडल कहा जाता है। इसके आगे का भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा महानदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा काफ़ी उपजाऊ हैं। यहाँ मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। कुरुमंडल तट पर चेन्नई ही सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम पूर्वी तट का दूसरा बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। द्वीप समूह। समुद्र तटीय मैदान के अलावा हमारे देश में दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित इस द्वीप समूह में छोटे छोटे करीब 300 द्वीप समूह हैं। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप समूह तथा दक्षिणी भाग को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। निकोबार द्वीप समूह के सिरे को इंद्रा पॉइंट भी कहते हैं। इस द्वीप समूह पर ऊंचे नीचे पहाड़ियां तथा घने जंगल हैं तथा यहां के लोगों का जनजीवन रहन सहन पुराने ढंग का तथा पारंपरिक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। यह समूह मालाबार तट के पश्चिम में स्थित है। इसके सभी द्वीप छोटे छोटे हैं। इसमें से केवल 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं तथा समुद्र के तट के स्तर मात्र 4-5 मीटर ऊंचे। इन द्वीपों में न तो पहाड़ी है और न कोई नदी। यहाँ का मुख्य भोजन नारियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।